हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोगों का जो सिलेबस है नया, वो जारी हो चुका है। आप लोग साइट पर जाकर देख सकते हो, जिसकी बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है वो आपका क्या रहा है, कुछ आपका कुछ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो सारी बात हम करने वाले हैं। पुराने जो भी स्टूडेंट हैं तो वो लोग सिलेबस से जो है उनको जानकारी है कि क्या सिलेबस में होता है। जो नए विद्यार्थी हैं जो कि पहली बार रीट का एग्ज़ाम देंगे, तो उनको सिलेबस बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कि आपके साइकोलॉजी, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए 30 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा भाषा दो होंगी आपकी, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न, आपके 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले पाठ्यक्रम जो है लेवल 2 का, जहाँ आप 6 से 8 तक के अध्यापक बनने के लिए आप एग्ज़ाम दोगे। तो सबसे पहला जो खंड है वो आपका है साइकोलॉजी का बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसमें आपके कुल 30 प्रश्न और 30 अंक जो है आपके इसमें पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न। तो सबसे पहले साइकोलॉजी में देखिए, जो यूनिट रहेगी आपकी बाल विकास से संबंधित, जिसमें वृद्धि विकास की संकल्पना यानी वृद्धि विकास का पूरा टॉपिक इसमें आएगा। इसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है वृद्धि और विकास में, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। और हर यूनिट जो है उसमें से 5 या 6 मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हर यूनिट इम्पॉर्टेंट रहती है, कोई भी यूनिट आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरे यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तित्व और बुद्धि की। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी सब कुछ आपका आ जाता है, सिद्धांत आपके आ जाते हैं, व्यक्तित्व को मापन करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और बुद्धि के सिद्धांत, तो पूरा आपका टॉपिक आ जाता है, कुछ भी नहीं इसमें छूटता है। तीसरी जो यूनिट रहती है आपकी, तो यहाँ विविध अधिगमकर्ता की समझ, जिसमें पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये टॉपिक आएगा। अधिगम में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं वो आपकी पूछी जाएंगी। समायोजन का जो पूरा टॉपिक है एडजस्टमेंट का, वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर जो चौथी यूनिट रहेगी वो आपकी रहेगी लर्निंग से संबंधित अधिगम, जिसमें अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी, ये आपका पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपके कुछ जो क्वेश्चन जो कि आपके क्या रहेंगे, जैसे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, ठीक है, तो आप अध्यापक बनोगे तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो यहाँ आपके आ जाएंगे। चिंतन, कल्पना, तर्क, ये टॉपिक आएगा। मोटिवेशन का टॉपिक रहेगा। फिफ्थ जो यूनिट रहेगी वो शिक्षण विधियों की रहेगी। शिक्षण विधियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके 12-13 मार्क्स जो है वो शिक्षण विधियों के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे जो है तैयारी करके 30 में से 30 मार्क्स जो है वो साइकोलॉजी में लेते भी हैं, अभी तक लेते आए हैं, यदि सभी टॉपिक आप कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएँ, NCF 2005, ठीक है, विधियाँ हैं शिक्षण से संबंधित, आकलन, मापन, मूल्यांकन आपको पूरा करना पड़ेगा, सतत मूल्यांकन, इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की क्या भूमिका है, क्या दायित्व है, ये आपका है किसका, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो साइकोलॉजी चाहे आप लेवल 1 के हो, लेवल 2 के हो, यही सिलेबस रहता है। और सिलेबस इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, तो वैसा ही है। आप लोग पहले तैयारी कर चुके हो, जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिया था, तो वो बच्चे केवल रिवीजन करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो टॉपिक अपने देख लें बहुत अच्छे तरीके से, साइट पर जाकर जो है एक एक चीज़ें नोट करें और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल से जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी जो वहाँ पर है, तो ये सभी टॉपिक वहाँ आ जाते हैं, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया है लेवल 2 साइकोलॉजी में जो भी आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज की, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या सिलेबस है, क्या कुछ नया उसमें जुड़ा है, क्या हटाया गया है, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।